हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टारडस्ट में। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर मूवीज किस एक्टर ने सबसे ज्यादा दी हैं। व्यूअर, 1940 से लेकर 2021 चल रहा है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बड़े महान कलाकार आए जिन्होंने न सिर्फ अपनी मूवीज में अपनी एक्टिंग के दम पर सक्सेसफुल करार दिया बल्कि ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जैसी पोजीशन पर लेकर आए हैं। तो व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस एक्टर ने सबसे ज्यादा टाइम ब्लॉकबस्टर और ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने उन एक्टर्स को सेलेक्ट किया है जिन्होंने कम से कम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है। तो उम्मीद करता हूं हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो व्यूअर, नंबर 27 पर आते हैं शमी कपूर, जिन्होंने 124 मूवीज में काम किया और उन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी और उनकी टोटल तादाद 3 बनती है। नंबर 26 पर आते हैं राजेश खन्ना, जिन्होंने 123 मूवीज में काम किया और उन्होंने भी 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। नंबर 25 पर आते हैं अजय देवगन, जिन्होंने 98 मूवीज में काम करके 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो उनकी टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद 3 बनती है। और नंबर 24 पर आते हैं चंकी पांडे, इन्होंने सिर्फ 76 मूवीज में 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो टोटल ब्लॉकबस्टर की तादाद इनकी भी 3 बनती है। नंबर 23 पर आते हैं रितेश देशमुख, इन्होंने 42 मूवीज में काम किया और उन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। नंबर 22 पर आते हैं विवेक ओबरा, इन्होंने 33 मूवीज में 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, इस तरह की टोटल तादाद होती है 3। नंबर 21 पर आते हैं शाहिद कपूर, जिन्होंने 29 मूवीज में 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, इस तरह इनकी भी ब्लॉकबस्टर की तादाद बनती है 3। नंबर 20 पर आते हैं विकी कौशल, जिन्होंने सिर्फ 8 मूवीज में 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 1 ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, तो इस तरह इनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद बनती है 3। व्यूअर, इन 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देने वाले एक्टर्स को हमने ऐसे सॉर्ट किया है कि कम मूवीज में जिन एक्टर्स ने ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है उन्हें हमने रेंज में ऊपर रखा है, जैसा कि इस वक्त आप व्यूअर्स को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। नंबर 19 पर आते हैं विनोद खन्ना सर, जिन्होंने 136 मूवीज में 4 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। नंबर 18 पर आते हैं राजेंद्र कुमार, जिन्होंने 72 मूवीज में 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, इस तरह उनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद 4 बनती है। नंबर 17 पर आते हैं धर्मेंद्र सर, जिन्होंने 251 मूवीज में काम किया और उन्होंने 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 4 मूवीज ब्लॉकबस्टर दी हैं, तो इस तरह उनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज की टोटल तादाद 5 बनती है। नंबर 16 पर आते हैं ऋषि कपूर, जिन्होंने 134 मूवीज में काम करके 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दी है। नंबर 15 पर आते हैं संजय दत्त, जिन्होंने 126 मूवीज में 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 4 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो इस तरह उनकी ब्लॉकबस्टर की टोटल तादाद भी 5 बनती है। नंबर 14 पर आते हैं अनिल कपूर, जिन्होंने 112 मूवीज में 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 4 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो उनकी टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद 5 बनती है। नंबर 13 पर आते हैं सनी देओल, जिन्होंने 89 मूवीज में 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, इस तरह उनकी भी तादाद 5 बनती है। नंबर 12 पर आते हैं मनोज कुमार सर, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ 54 मूवीज में 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। नंबर 11 पर आते हैं शशि कपूर सर, जिन्होंने 140 मूवीज में काम किया और उन्होंने 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। और व्यूअर, नंबर 10 पर आते हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने 120 मूवीज में काम करके 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। और इसी तरह नंबर 9 पर आते हैं ऋतिक रोशन, जिन्होंने सिर्फ 24 मूवीज में 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, और इस तरह उनकी टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद बनती है 6। और इस वक्त स्क्रीन पर आप व्यूअर्स को इन तमाम एक्टर्स की जिन्होंने 4, 5 और 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं उनकी डिटेल आप स्क्रीन पर आराम से देख पा रहे होंगे। और व्यूअर, नंबर 8 पर आते हैं राज कपूर सर, जिन्होंने 62 मूवीज में काम किया और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो इस तरह उनकी टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद बनती है 7। नंबर 7 पर आते हैं जैकी श्रॉफ, जिन्होंने 169 मूवीज में काम किया और 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को, और उनकी टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद होती है 8। नंबर 6 पर आते हैं दिलीप कुमार सर,
जिन्होंने सिर्फ 58 मूवीज में दो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो इस तरह उनकी भी टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद बनती है 8। और नंबर 5 पर आते हैं आमिर खान, जिन्होंने सिर्फ 42 मूवीज में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को 5 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो इस तरह उनकी टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद बनती है 8। नंबर 4 पर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने 334 मूवीज में काम किया है और जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 9 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो इस तरह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने टोटल 10 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। और नंबर 3 पर आते हैं अमिताभ बच्चन सर, जिन्होंने सिर्फ 153 मूवीज में 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 9 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो इस तरह इनकी भी तादाद बनती है 10, लेकिन मूवीज कम की हैं मिथुन चक्रवर्ती के मुकाबले में, तो इसलिए नंबर 3 पर रखा है अमिताभ बच्चन सर को। तो सेकंड नंबर पर आते हैं शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड ने 62 मूवीज में 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 9 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो इस तरह टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद बनती है शाहरुख खान की 11। और नंबर 1 पर आते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान सलमान खान, जिन्होंने 81 मूवीज में काम किया और उन्होंने 4 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 11 ब्लॉकबस्टर मूवीज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं, तो इस तरह सलमान खान की टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज की तादाद बनती है 15। तो इस तरह ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की इस टोटल लिस्ट में सलमान खान टॉप नंबर 1 पर हैं 15 टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज के साथ। और व्यूअर, इस वक्त आपको स्क्रीन पर सलमान खान से लेके राज कपूर तक इन 8 एक्टर्स की लिस्ट नज़र आ रही है, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और ब्लॉकबस्टर यानी टोटल मिलाकर उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। और व्यूअर, अब हम जिक्र करेंगे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज किस एक्टर ने दी है। तो टॉप 10 एक्टर्स को हमने सेलेक्ट किया है, तो नंबर 10 पर आते हैं शाहिद कपूर, जिन्होंने 29 मूवीज में काम किया और 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दी। नंबर 9 पर आते हैं ऋतिक रोशन, जिन्होंने 24 मूवीज में काम करके 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दी। तो नंबर 8 पर आते हैं रणबीर कपूर, जिन्होंने 17 मूवीज में काम किया और 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दी। नंबर 7 पर आते हैं जेकी श्रॉफ, जिन्होंने 169 मूवीज में काम किया और 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दी हैं उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। तो नंबर 6 पर आते हैं सनी देओल, जिन्होंने 89 मूवीज में 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। नंबर 5 पर आते हैं किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, जिन्होंने 62 मूवीज में काम करके 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। तो इसी तरह नंबर 4 पर आते हैं दिलीप कुमार सर, जिन्होंने 58 मूवीज यानी शाहरुख खान थोड़ी कम मूवीज में 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, तो इसलिए नंबर 4 पर हैं। और नंबर 3 पर आते हैं विकी कौशल, जिन्होंने सिर्फ 8 मूवीज में 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं और तीसरी नंबर की पोजीशन हासिल की है। और सेकंड नंबर पर आते हैं सलमान खान, जिन्होंने 81 में से 4 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। तो नंबर 1 पर आते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज के मामले में आमिर खान, जिन्होंने 42 मूवीज में काम किया और 5 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। और व्यूअर, इस वक्त आपको स्क्रीन पर उन टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट नज़र आ रही होगी, जिन्होंने सबसे कम मूवीज़ में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं। और व्यूअर, इसी तरह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हटाकर अगर हम सिर्फ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की बात करें, तो नंबर 10 पर आते हैं ऋतिक रोशन, जिन्होंने 24 मूवीज़ में 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। नंबर 9 पर आते हैं जैकी श्रॉफ, जिन्होंने 169 मूवीज़ में 6 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर दी हैं। नंबर 8 पर आते हैं शशि कपूर सर, जिन्होंने 140 मूवीज़ में काम किया और उन्होंने 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। नंबर 7 पर आते हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने 120 मूवीज़ में 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं। तो नंबर 6 पर आते हैं राज कपूर सर, जिन्होंने 62 मूवीज में 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। नंबर 5 पर आते हैं दिलीप कुमार सर, जिन्होंने 58 मूवीज में 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। तो इसी तरह नंबर 4 पर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने 334 मूवीज में 9 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। और नंबर 3 पर आते हैं अमिताभ बच्चन सर, जिन्होंने 153 में से 9 मूवीज ब्लॉकबस्टर दी हैं। नंबर 2 पर आते हैं किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, जिन्होंने 62 में से 9 मूवीज ब्लॉकबस्टर दी हैं। और व्यूअर, नंबर 1 पर आते हैं सलमान खान, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 81 मूवीज में से 11 ब्लॉकबस्टर मूवीज उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। और व्यूअर, इस वक्त स्क्रीन पर आपको उन टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट नज़र आ रही होगी, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में
सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। सिर्फ ब्लॉकबस्टर मूवीज की हम बात कर रहे हैं, इसमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज शामिल नहीं। तो फ्रेंड्स, था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप व्यूवर्स को पसंद आया होगा। व्यूवर, आज की इस लिस्ट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आपका फेवरेट सुपरस्टार एक्टर आज की इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एक्टर का नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।